आज के प्रथम वक्ता के रूप में शास्त्री तृतीय वर्ष से आएंगे नमन जैन, जिनका विषय है अभाव एकांत का निराकरण। आए नमन जैन और अपना विषय प्रस्तुत करें। ओम नमः शिवाय। प्रतिदिन ये वर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है सर्वथा अभाव को मानने पर क्या समस्याएं आएंगी, क्या दोष उत्पन्न होंगी। तो हम पिछले वक्ताओं के माध्यम से सर्वथा भाव को मानने पर क्या समस्याएं आएंगी और उनका निराकरण हम कर चुके हैं। अब हम इसमें जानेंगे कि सर्वथा हम अभाव को मानेंगे तो क्या समस्याएं उत्पन्न होगी। तो 12 भावना मंगत राज द्वारा विरचित 12 भावना में एक पंक्ति आती है कि एकांतवाद के धारी जग में दर्शन बहुत तेरे, कि एकांतवाद की पुष्टि करने वाले अनेक अनेक दर्शन इस जगत में पाए जाते हैं। एक अनेकांत को मानने वाला जैन दर्शन ही है जो अनेकांत को स्वीकार करता है, और बाकी सब दर्शन वह कैसे एकांत को मानने वाले हैं। कोई वस्तु को नित्य मानता है, कोई अनित्य मानता है, कोई सत्य मानता है, कोई असत्य मानता है, कोई वस्तु को एक मानता है, कोई अनेक मानता है। इसी तरह एक कोई है जो वस्तु को सर्वथा भावातक मानते हैं और कोई सर्वथा वस्तु को अभावातक मानते हैं। तो जो वस्तु को सर्वथा अभावात्मक मानते हैं एक पक्ष से, एकांत रूप से वस्तु को सर्वथा अभाव रूप से यह स्वीकृत करते हैं, तो आज हम लोग वह करने से क्या समस्या आएंगी, हम उन पर निराकरण करेंगे। तो आचार्य संबंधपत्र स्वामी आत्मीमांसा नामक ग्रंथ के कारिका नंबर 12 में कहते हैं कि अभाव एकांत पक्षे भी भावापन्नवादिनाम बोधवाक्यम प्रमाणम न कहने साधन दूसरणम। क्या कहा इसमें कि अभाव एकांत पक्षे भी, कि अभाव को एक पक्ष से क्या करना ग्रहण करने पर, अभाव को एकांत रूप से मानने पर क्या होगा, भावापन्नवादिनाम और भाव को सर्वथा निषेध करने पर, भाव को सर्वथा निषेध करने पर और अभाव को एकांत रूप से स्वीकार करने पर क्या समस्या आएंगी। बोधवाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। जो बोध हैं, बोध मतलब ज्ञान, वाक्य हैं जो प्रमाणक हैं, प्रमाण है वह सभी क्या है, केन साध ना केन साधन दूषणम, न मतलब नहीं, कहना नहीं किसके द्वारा, और साधन दूषणम वह हमारे लिए कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने इसका समस्या बताई कि यदि आप सरल अर्थ देखते हैं कि यदि आप अभाव को ही सर्वथा एकांत रूप से स्वीकार करते हो तो क्या समस्या आएगी, ना कोई बोध बोध मतलब ना कोई शास्त्र होंगे, ना कोई उपदेशदाता उनके आचार होंगे, ना उनके द्वारा कोई जो प्रमाण को नहीं माना, तो प्रमाण जिन प्रमाणों से हम इसको स्वीकार करते हैं, बात को हम रखते हैं, प्रमाण से अपने मत का हम मंडन करते हैं और दूसरे मत का खंडन करते हैं, तो भाई प्रमाण ही नहीं होंगे, वो सबका अभाव करते हैं, तो क्या होगा, ना उनके मत की स्थापना होगी, ना वह किसी के मत का खंडन कर पाएंगे। तो जैसे हम उदाहरण देखें, जैसे कोई चोर है, अब इस चोर को पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें सबूत चाहिए, अरे सबूत के बगैर वह हम चोर को नहीं पकड़ सकते, और सबूत को ही मिटा दिया जाए तो क्या अगर वह चोर आगे पकड़ा जा सकता है, नहीं पकड़ा जा सकता, क्यों, क्योंकि वह स्वरूप का ही अभाव हो गया, पर उनका जो रेफरेंस होते हैं, जिनके सबूत होते हैं, उनका ही उन्होंने क्या कर दिया के अभाव कर दिया, उन सबूतों को ही मिटा दिया, जब सबूत को ही मिटा दिया तो फिर चोर को पकड़ना नामुमकिन है। वैसे ही यह अपने मत का यहाँ पर मंडन करेंगे और परमत का खंडन करेंगे तो उनके लिए पहले प्रमाणों की आवश्यकता होगी, और प्रमाणों को प्रमाणों का ही अभाव मानते हैं, पहले शास्त्रों का ही अभाव मानते हैं, और कहते तो हैं कि हमारे शास्त्र हैं, हमारे उपदेश, हमारे आचार्य गुरु है, लेकिन वह जब अभाव को मानते हैं तो उनका भी अभाव हो जाता है, उनके जो भी शास्त्र हैं, उनके जो भी गुरु हैं, जो भी उनके आचार हैं, उनका भी अभाव हो जाता है। इस कार्यक्रम में इतना ही बताया गया है कि यदि वह एक पक्ष से अभाव को स्वीकार करते हैं तो क्या समस्या आएंगी, कि वह अपने मत का मंडन नहीं कर पाएंगे, अपने मत की स्थापना नहीं कर पाएंगे और दूसरे के मत का खंडन नहीं कर पाएंगे। तो पहले उनके लिए बोधवाक्यम प्रमाणम ना केन साधन दूषणम, कि उनको बोध मतलब ज्ञान, ज्ञान को मानना पड़ेगा, प्रमाणों को मानना पड़ेगा, वाक्यों को मानना पड़ेगा, और इन जब को मानना पड़ेगा तो फिर अभाव की कोई बात रही नहीं, और वह ऐसा मानते हैं कि सबका अभाव हो जाता है। तो ऐसा क्यों मानते हैं, यह उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि पदार्थ पदार्थ एक भी नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि पदार्थ अनेक देखने में आते हैं, जब पदार्थ अनेक देखने में आते हैं तो हम अनेक पदार्थों को कह नहीं सकते हैं, इसलिए हम सभी को अभाव रूप से मानते हैं। समझ में आया सभी को, उनका कहना है कि जो पदार्थ है भाई एक एक कहेंगे पदार्थ को तो पदार्थ तो अनेक देखने में आते हैं, और जब पदार्थ अनेक देखने में आते हैं तो क्या हुआ कि हम सभी अनेक पदार्थों को तो कह नहीं सकते, इसलिए हम अभाव को ही मानते हैं, सबको हम अभाव ही कर देते हैं।
तो उसका उत्तर देते हुए आचार्य देव यहाँ पर कहते हैं कि यदि आप वो विचार को ही नहीं मानते, पहली बात तो क्या है, वो विचार को ही नहीं मानते, जब विचार को नहीं मानते हैं तो वह विचार का भी अभाव मानते हैं, तो वह इन पदार्थों का विचार कैसे करें कि वह पदार्थ कितने हैं कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि आपके उपदेशदाता जो हैं, आपके जो ग्रंथादि हैं, जब उनमें ही इसका विरुद्धपन आता है कि उनको आप उनका भी अभाव मानते हैं, तो आप वस्तुवस्था को कैसे बताएंगे। किसी को हमें कोई चीज़ बताना हो तो पहले हम उसका बताने के लिए वस्तु हमारे पास सामने हो, तब तो उसके बारे में बताएंगे कि हमारे यहाँ पर अतिथि आया, इन्हें ऐसा ऐसा धंधा है, ऐसा ऐसा काम करते हैं वगैरह वगैरह, तो हमें उनके सामने हो तो हम उनके बारे में बताएंगे। वो व्यक्ति सामने नहीं है फिर भी हम उनके बारे में बताएं तो क्या है, लेकिन ये एक अपेक्षा समझना है विषय, या तो कोई कहे यहाँ पर आचार्य देव नहीं है फिर भी हम उनके बारे में बताते हैं, लेकिन जो यहाँ पर बात चल रही है वह वस्तु का जब सद्भाव मानेंगे तभी तो उसके बारे में कथन किया जा सकता है। फिर आगे यहाँ पर उन्होंने 3-4 समस्याएं और भी यहाँ पर बताई हैं कि और क्या समस्या आएंगी, कि वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी या पूरी दुनिया गायब हो जाएगी। जो तीनों लोग हैं, तीनों लोग का विद्वान बना ये माना जाता है, तो वह कुछ नहीं रहेगा, सबका अभाव हो जाएगा, जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये सब दुनिया ब्रह्मांड जो जो है सब हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो पदार्थ जितने भी हमें अनेक पदार्थ दिखाई दे रहे हैं पहले को नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि वह सबका अभाव मानते हैं। अब दूसरा है, सारे लौकिक व्यवहार के जितने भी कार्य होते हैं उन सभी का निषेध करना पड़ेगा, भाई सभी कार्य होते नहीं है, कौन किसके माता पिता, कौन किससे उत्पन्न हुआ, कौन घर परिवार, कौन से पैसे लेने किससे देने, तो इस सब का अभाव, किसी से पैसे ले लिए अब बोला कि मैं तो अभाव को मानता हूँ, अब तुम्हारे कहे कि पैसे अभाव हो गया पैसों का, तो ऐसे जो लौकिक की जितनी भी सारी क्रियाएँ हो रही हैं सभी सभी का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। और आगे उच्च नीच गति का प्रावधान नहीं रहेगा, जो उच्च गति कैसे होती है, नीच गति कैसे होती, कर्म क्या है, सभी का एक तरह से अभाव हो जाएगा, तो पूरी वस्तु व्यवस्था खंडित हो जाएगी, पूरी वस्तु व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। अब आगे कहते हैं कि भोग उपभोग करने के एवं भोग उपभोग करना, सेवा अधिकार करना, यह सभी कार्य किसमें करेंगे, जब वस्तु का अभाव ही हो जाएगा तो फिर हमारे लिए पुण्य पापाधिकार अनेक अनेक जो उत्तम कार्य हैं या फिर जो नीच कार्य से व्यक्ति को नीच गति प्राप्त होती है वह कार्य ना कुछ भी नहीं बनेगा, इससे सभी द्रव्यों का खंडित हो जाएंगे, सभी कोई द्रव्य नहीं बचेगा, ना जीव द्रव्य ना पुद्गल द्रव्य, सभी द्रव्य क्या सभी द्रव्य का प्रभाव मानना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो कहते हैं आगे कि इससे क्या होगा, हमारे लिए ये सब समस्या आएंगी, और आप ही जो पहले बात तो प्रमाण की बात कही, प्रमाण में भी दो चीज़ लेना है यहाँ पर, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान, वो ज्ञान मतलब ज्ञान में यहाँ पर दो चीज़ दी है यहाँ पर कि स्वार्थ अनुमान बोध में मतलब अपने वचन द्वारा जिसका प्रयोग ना हो, स्वयं से ही जो बात कही जा सके उसके लिए यहाँ पर स्वार्थ अनुमान, और जो पर से जो बात कही जाए पर के अनुमान लगा करके जो बात कही जा सके उसके लिए परार्थ अनुमान यहाँ पर नाम दिया है। तो यहाँ पर बोध और वाक्यम ये दो चीज़ में ये दोनों चीज़ें लेनी है, तो इससे उनका जो मत है यदि वो प्रमाण को ही नहीं मानेंगे तो यहाँ पर बात इनकी सीधी सिंपल है कि उनके मत का स्थापना और परमत की खंडन नहीं किया जा सकता, इसलिए अभाव और सभी इस अभाव को समझकर अभाव एकांत को छोड़ें और वस्तु को अनेकांत साधुवाद रूप माने, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वक्तव्य को विराम देता हूँ।